हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लेसन टू का। आप लोग को फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट्स का क्वेश्चन आंसर अभी करवाना है। इसके पहले आप लोग को इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवाया गया था पिछले लेक्चर में। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज जैक कंसिस्ट ऑफ खाली स्थान है, तीर्थ कहता है। प्रत्येक जबड़े इच जा है, प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं? टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या है? तो 32 हो जाएगा, लेकिन इच जा लिखा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। इस तरीके से इसमें आपका 16 लिखा जाएगा। द जूस सेक्रेटेड बाई द ग्लैंड इन स्टोमिक वॉल इज। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टोमिक वॉल में ग्लैंड के द्वारा जो जूस सिक्रेट किया जाता है वो कौन सा जूस होता है? तो इसका सही आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल्स दैट हेल्प द डाइजेस्ट द फूड आर कॉल्ड। वह केमिकल जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है वह क्या होता है? तो उसे हम लोग डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। डाइजेस्टिव जूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे है अपर पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट जो होता है वह क्या होता है जी? उसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। तो हो जाएगा बी, इसोफेगस। उसके बाद है, ग्लाइकोजीन फॉर्मेड फ्रॉम एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड गेट्स स्टोर इन। ग्लाइकोजीन फॉर्मेड फ्रॉम एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड गेट्स स्टोर इन, कहाँ स्टोर होता है? तो किसका हो जाएगा आंसर? हो जाएगा सी, लीवर में स्टोर होता है। इसी तरीके का यहाँ देखिए बी में है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, भोजन लेना और भोजन करना की जो क्रिया होती है वह एक्ट होता है, उससे एक्ट को क्या कहते हैं? उस एक्ट को हम लोग इनिगेशन कहते हैं, INGESTION। दूसरा है भाग, द व्हाइट पार्ट ऑफ द टूथ कंटेनिंग कैल्शियम साल्ट। टूथ का जो व्हाइट पार्ट जिसमें कैल्शियम साल्ट मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम इसोफेगस टू एनस। इसोफेगस से स्टार्ट होते हुए एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स इन स्पीकिंग। बोलने में जो मांसल ऑर्गन, हमारे शरीर का जो मांसल ऑर्गन जो बोलने में मदद करता है वह क्या होता है? तो उसे हम लोग टंग कहते हैं, जीव। टंग हो जाएगा। 5, द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द बॉडी ऑफ ए रूमिनेंट। रूमिनेंट समझिएगा, पाबू करने वाले जानवरों में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच जो थैले जैसी स्ट्रक्चर पाएगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सीकम कहते हैं, CAECUM। इस तरीके से पांचों का आंसर आप लोग को करवा दिए, आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है हमिंग बर्ड का मैच करना है तो हमिंग बर्ड का जो फूड हैबिट होता है वो सकिंग होता है, सकिंग हो जाएगा। बकल कैविटी, बकल कैविटी का कैसे किससे आपको मैच कीजिएगा? ना बकल कैविटी का मैच हो जाएगा एलिमेंट्री कैनल, मुंह। बकल कैविटी में स्मॉथ होता है जो हार नल का भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है जी? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। किसका काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है जी। रूमेन किस एनिमल में होता है? तो ग्रास ईटिंग एनिमल, दैट मींस काउ में हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो किसका पार्ट है ये? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वह अमीबा का पार्ट है। तो इस तरीके से आप लोग को मैच द फ्लोइंग का सॉल्यूशन हम करवाए हैं। तो आप लोग को इस फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट का जो क्वेश्चन हम करवाए हैं उसको आप लोग को फेयर कॉपी में भी करना है और अच्छी तरीके से सुंदर राइटिंग में करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, इसी चैप्टर का जो चैप्टर बेस्ड फॉर्मेटिव क्वेश्चन है वो आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग उसको बना करके फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फेयर कॉपी चेक किया जाएगा जब स्कूल चालू हो जाएगा। तो
देखिए चैप्टर बेस्ड इंफॉर्मेटिव असेसमेंट का क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस है, इसमें दो को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, चार को फिलिंग इन ब्लैंक्स क्वेश्चंस है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है, पजल है। इस सभी को आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है, तो ये आपको खुद से कर लेना है। फिर हम मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग बुक मार्केट से ले लीजिए, पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बोल रहे थे कि बुक मार्केट में अवेलेबल है, बुक ले लीजिए उसको, ताकि पढ़ने में सुविधा होगी आप लोग को, और फिर अच्छी तरीके से कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।